महा कार्टून टीवी। बंटी बना बबली। किसी शहर में बंटी नाम का एक लड़का रहता था, जो बहुत शरारती और चिड़चिड़ा था। वो कभी भी लड़कियों की इज्जत नहीं किया करता था। बंटी की एक बहन भी थी, जिसका नाम था बबली। बबली बहुत समझदार, मेहनती और भोली लड़की थी। बंटी अपनी बहन से हमेशा लड़ता रहता था। एक दिन बंटी अपने घर के किचन में जाता है और उससे वहाँ गलती से एक प्लेट जमीन पर गिरकर टूट जाती है। अरे ये मुझसे क्या हो गया? अगर मम्मी को पता लगा तो वो तो मेरी बैंड ही बजा देंगी। प्लेट टूटने की आवाज़ सुनकर उसकी मम्मी जोरों से आवाज़ लगाती है। अरे नलायको, अब क्या तोड़ दिया? सारा दिन बस शैतानी ही करते रहते हो। रुको, अभी खबर लेती हूँ तुम्हारी। मम्मी की आवाज़ सुनकर बंटी घबरा जाता है और प्लेट की टुकड़ों को एक बर्तन में डालकर जल्दी से बबली के कमरे में चला जाता है। बबली अपने कमरे की सफाई कर रही होती है, तभी बंटी कहता है, बबली, मम्मी ने तेरे लिए केक बनाया है, वो किचन में एक बर्तन में रखा है, जा तू खा ले। क्या सच्ची? हाँ सच्ची। देख तू झूठ तो नहीं बोल रहा ना? तुझे जाना है तो जा, नहीं तो मैं ही खा लूंगा। ये सुनकर बबली जल्दी से किचन में जाती है, लेकिन जैसे ही वो वहाँ रखे बर्तन में देखती है तो उसमें टूटी हुई प्लेट के टुकड़े के अलावा कुछ नहीं दिखता। ये देखकर बबली को गुस्सा आ जाता है। जैसे ही वो उन टुकड़ों को उठाकर कूड़ेदान में फेंकने जाती है, तभी बंटी मम्मी को बुलाकर ले आता है और सब कुछ देखकर मम्मी गुस्से में बोलती है, बबली ये क्या कर रही हो तुम? कोई भी काम सही से नहीं कर सकती। पर माँ। बबली की बात पूरी होने से पहले ही बंटी कहता है, मम्मी इसी ने ये प्लेट तोड़ी है, मैंने खुद देखा था। मम्मी बबली की एक भी नहीं सुनती और उसे डांटना शुरू कर देती है। बबली रोते हुए कमरे में चली जाती है और खुद से बोलती है, मेरी तो कोई गलती भी नहीं थी, फिर भी उस बंटी की वजह से मुझे डांट पड़ी। हर बार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? इससे तो अच्छा होता कि मेरा कोई भाई ही नहीं होता। ऐसे ही दिन बीत जाता है और रात हो जाती है। रात होते ही बंटी के कमरे की लाइट खराब हो जाती है, जिसे देख बंटी कहता है, ओहो ये क्या हो गया? इस लाइट को भी अभी खराब होना था। आइडिया, चलो क्यों ना आज बबली के कमरे में सोया जाए, मैं अभी मम्मी को कहता हूँ। ये सोचकर बंटी मम्मी के पास जाता है और कहता है, मम्मी मम्मी देखो ना, मेरे कमरे की बिजली खराब हो गई है, अब मैं कहाँ सोऊंगा? अच्छा तो तुम एक काम करो, अभी जाकर बबली के कमरे में सो जाओ, मैं कल इलेक्ट्रिशियन को बुलाकर सही करवा दूंगी। नहीं मम्मी, ये मेरे कमरे में नहीं सोएगा, क्योंकि ये मुझे बहुत परेशान करता है। अरे बेटा सिर्फ एक रात की तो बात है, सोने दो। नहीं मैं तो इससे लड़ती हूँ ना, तो मैं क्यों सोने दूँ इसे अपने कमरे में? मम्मी मेरी कमर में भी दर्द हो रहा है और मुझे नींद भी आ रही है, मैं सोने जा रहा हूँ। ये कहकर बंटी सोने चला जाता है और उसके पीछे पीछे बबली भी आती है। बंटी उससे कहता है, आज तो आराम से सोऊंगा। ये बिस्तर मेरा है, मुझे यहीं सोना है, तुम जाओ, तुम जमीन पर सो जाओ। चल हट, आज तो मैं यहीं पर सोऊंगा, जा तुझे जो करना है कर ले, और अगर तूने मम्मी से कुछ भी कहा तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा, इसलिए बेहतर होगा कि तू चुपचाप जमीन पर जाकर सो जा। बंटी सो जाता है और उसकी बात सुनकर बबली भी चुपचाप जमीन पर सो जाती है, क्योंकि वो रात के समय मम्मी को परेशान नहीं करना चाहती थी। बबली फिर से खुद से बात करते हुए कहती है, हे भगवान, हर कोई मेरी ही गलती क्यों निकालता है, और कोई उस बंटी को कुछ नहीं कहता, काश मेरा कोई भाई ही नहीं होता।
ये देखकर बबली भी सो जाती है। अगले दिन जब बंटी सोकर उठता है तो देखता है कि कमरे में कोई नहीं है। उसे कुछ अजीब सा महसूस होता है। वो देखता है कि उसके बाल बड़े हो गए हैं। वो जल्दी से जाकर खुद को आईने में देखता है और हैरान हो जाता है। अरे ये क्या हो गया मेरे साथ? मेरे बाल इतने बड़े कैसे हो गए? और मेरी आवाज को क्या हो गया? अपना ये रूप देखकर वो बहुत हैरान हो जाता है, क्योंकि अब वो एक लड़की बन चुका होता है। वो जोर से चिल्लाता है, बबली के बच्चे, ये क्या किया तूने मेरे साथ? आज तुझे नहीं छोड़ूंगा। कहाँ है तू? बाहर निकल। तभी उसकी मम्मी कमरे में आती है और कहती है, क्या हुआ बबली, क्यों चिल्ला रही हो इतना? ये सुनकर बंटी हैरान होकर पूछता है, क्या कहा आपने? बबली? पर मैं तो बंटी हूँ और बबली तो मेरी बहन है ना? बहन? ये क्या बोल रही हो तुम? और ये बंटी कौन है? अरे मम्मी, मैं बंटी हूँ और ये देखो ना, मैं लड़की कैसे बन गया? पता नहीं क्या बोल रही हो, लगता है अभी भी नींद में हो। जाओ जल्दी जाकर मुंह धो लो, जल्दी से स्कूल के लिए तैयार हो जाओ। परेशान बंटी स्कूल के लिए तैयार हो रहा होता है तो उसे अपनी स्कूल की यूनिफॉर्म नहीं मिलती और वो अपनी मम्मी को आवाज लगाता है, मम्मी मेरी स्कूल की ड्रेस नहीं मिल रही है, आकर ढूंढ दो ना प्लीज। ओफो, ये तो रखी है सामने। पर ये तो लड़कियों की ड्रेस है, मैं इसे कैसे पहन सकता हूँ? अरे तुम ये क्या बोल रही हो, तुम एक लड़की ही तो हो। मम्मी की बात सुनकर बंटी को बहुत ही अजीब लगता है, पर जब वो खुद को आईने में जाकर देखता है तो उसकी सांस वहीं की वहीं अटक जाती है। खुद को लड़की के रूप में देखकर बंटी बहुत परेशान हो जाता है और बोलता है, अरे यार मैं बबली जैसा क्यों दिख रहा हूँ? और ये बबली कहाँ है? ये मेरे साथ क्या हो रहा है? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तभी उसे मम्मी की आवाज सुनाई देती है, बबली बेटा इधर आ, बहुत महारानी बन रही है ना, अगर तू स्कूल के लिए लेट हुई ना फिर देख मैं तेरी क्या हालत करूंगी। मम्मी की आवाज सुनकर बंटी बाहर आता है। वो देखता है कि मम्मी ने टेबल पर उसके लिए नाश्ता रखा हुआ है। नाश्ता देखकर बंटी कहता है, छी बैंगन, मम्मी आपको पता है ना मैं बैंगन नहीं खाता, आपने फिर भी मुझे ये खाने को दे दिया, मुझे नहीं खाना ये बैंगन वैंगन। एक थप्पड़ मारूंगी तुझे, पहले तो ये लड़कों की तरह बात करना बंद कर, बड़े ही नखरे होने लगे हैं तेरे, जो मिला है चुपचाप खा ले उसे। मम्मी को ऐसे बोलता हुआ देख बंटी को रोना आ जाता है, लेकिन खुद को संभालते हुए वो बोलता है, इस तरीके से तो मम्मी बबली को बोला करती थी और मम्मी ने कभी भी मुझे बैंगन खाने को नहीं दिया और हमेशा मुझे हाथ से ही खाना खिलाया करती थी। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? बंटी को कुछ भी समझ नहीं आता और वो स्कूल की तरफ निकल जाता है। स्कूल पहुंचते ही जब वो अपने दोस्तों के पास पहुंचता है तो सब उसे चिढ़ाकर वहां से भगा देते हैं। सब उससे कहते हैं कि तू जाकर लड़कियों के साथ रह, हमारे साथ रहने की कोई जरूरत नहीं है। पूरा दिन लड़कियों के साथ बिताने के बाद बंटी घर आता है। मम्मी खाना दे दो, बहुत जोर से भूख लगी है। किचन में रखा है, जाकर ले ले। अपनी सास को भी ऐसे ही बोलेगी क्या? खुद खाना परोसना आना चाहिए, समझी? बंटी जैसे तैसे अपने लिए खाना निकालता है और खाना खाकर अपने कमरे में चला जाता है। अपने कमरे में गुड्डी गुड़िया देखकर बंटी चिल्लाता है, ये सब मेरे कमरे में क्या है? अब मैं क्या इन सब से खेलूंगा? तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? अब इससे नहीं खेलेगी तो क्या वीडियो गेम्स लाऊं तेरे लिए? लड़का नहीं लड़की है तू और इसी से खेलेगी, समझी? जरूरी है क्या? क्या लड़कियां गेम से नहीं खेल सकती? मुझे वीडियो गेम खेलनी है, मतलब मुझे वीडियो गेम ही खेलनी है। लड़कियां ये वीडियो गेम वेम नहीं खेलती, इसीलिए बकवास मत करो और चुपचाप जो मिला है उसी के साथ खेलो। जिद करना अच्छी बात नहीं है लड़कियों के लिए। बंटी चुपचाप अपने कमरे में चला जाता है और सोचने लगता है।
मैं बबली के साथ कितना बुरा करता था, उसे कितना झेलना पड़ता था और मैं उसे अलग से परेशान करता था। जब मुझे मजा नहीं आता था तो मैं उसे मम्मी से पिटवा भी देता था। मैंने उसके साथ कितना बुरा व्यवहार किया है, शायद इसीलिए मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा है। बंटी ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी उसकी मम्मी उसे आवाज लगाती है। बेटा बबली, इधर आ, किचन में तेरी जरूरत है, आकर जरा बर्तन साफ कराओ, मैं अभी सब्जी काट रही हूँ। बंटी बर्तन साफ करने के लिए किचन में आता है और उससे गलती से एक प्लेट टूट जाती है, जिसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और तभी मम्मी के चिल्लाने की आवाज आती है। अरे लड़की, क्या तोड़ दिया तूने, एक भी काम ठीक से नहीं होता क्या? ये सब बोलते हुए मम्मी किचन में पहुंचती है और टूटी हुई प्लेट देखकर गुस्से में आ जाती है। वो जल्दी से बगल में रखी हुई झाड़ू उठाकर बंटी की तरफ भागती है और तभी बंटी डरकर जोरों से चिल्लाता है। नहीं मम्मी नहीं। ओहो, अब क्या हुआ तुम्हें, क्यों चिल्ला रहे हो इतना? बबली तो यहाँ है, फिर मैं कैसे बबली बन गया? अरे मैं तो बंटी ही हूँ। अच्छा तो कल रात मैं यहाँ सोने आया था और जो भी मेरे साथ हो रहा था वो बस एक सपना था। बंटी को ये एहसास हो जाता है कि अब तक उसके साथ जो भी हुआ था वो सब एक सपना था, लेकिन आँख खुलने के बाद बंटी खुद को बड़ा ही शर्मिंदा महसूस कर रहा होता है, क्योंकि उसने कभी भी अपनी बहन की इज्जत नहीं की थी और हमेशा उसे परेशान ही किया था, जिसके बाद वो अपनी मम्मी के पास जाता है और कहता है, माँ कल जो रसोई में प्लेट टूटी थी वो मेरे से ही टूटी थी, बबली की इसमें कोई गलती नहीं है, मैंने ही उसे फंसाया था। कोई बात नहीं मेरे बच्चे, ऐसा हो जाता है। नहीं मम्मी, जिस तरीके से बबली को डांट पड़ी थी मुझे भी उसी तरीके से पढ़नी चाहिए, हमेशा वो ही क्यों हर जगह एडजस्ट करे, मुझे भी तो करना चाहिए, वो ही घर के काम क्यों करे, मुझे भी तो हाथ बटाना चाहिए। आज से मैं वो सारे काम करूँगा जो बबली किया करती है। बबली तेरे साथ आज तक मैंने जो भी किया मैं उसके लिए तुझसे माफी मांगता हूँ, मैं कभी भी एक अच्छा भाई नहीं बन पाया, पर आज से मैं एक अच्छा भाई बनने की पूरी कोशिश करूँगा। तुझे अपनी गलती का एहसास है, बस और क्या चाहिए, भगवान करे सबको ऐसा ही भाई मिले। इस तरह बंटी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो कभी भी बबली को परेशान नहीं करता। उस दिन के बाद से दोनों भाई बहन एक साथ रहने लगते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा अपनी बहनों की इज्जत करनी चाहिए और हमेशा उनका घर का काम करने में मदद करनी चाहिए। हेलो दोस्तों, हमें कमेंट्स करके बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी और हमें ये भी बताएं कि क्या आप भी अपनी बहनों को ऐसे ही परेशान करते हैं जैसे मैं किया करता था। इस कहानी को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। बाय। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हों तो इन्हें लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और हमारे कार्टून शो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।